अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंट डाउन मैथमेटिक्स बुक 8। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा। आप आ जाइए पेज नंबर 21। चैप्टर का नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में। मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना लाजमी है कि इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर ये क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आर नंबर दैट इंक्लूड इंटीजर्स और फ्रैक्शन। रैशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं कौन से होते हैं, इंटीजर्स में होते हैं और इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शन होते हैं। ये बात हमने प्रीवियस में पढ़ी है चैप्टर 1 में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसका हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आए पेज नंबर 22। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आपको दोनों के बारे में बताया गया है, रैशनल और इरेशनल। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी जो पी अपॉन क्यू इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में हो, वर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी कि पी और क्यू कह रहे हैं कि ये दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि क्यू कभी भी जीरो ना आए, ठीक है। अगर जीरो आ गया इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। आपको एग्जांपल भी दी गई है, ये देखें 1/2, 1/3, 1/4 जीरो, ठीक है, 1/4, 1/3, 1/2 और ये 1 है। 1 का मतलब इसके नीचे भी एक और 1 लगा हुआ है, यानी 1/1 है। खाली अगर इस तरह से कोई इंटीजर लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे कोई ना कोई नंबर है। अगर खाली 2 भी लिखा होता तो हम उसको कहते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि 2/1 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इरेशनल के बाद, यहाँ पे पहले मैंने आपको रैशनल के बारे में समझा दिया कि क्या होते हैं, ठीक है। अब इरेशनल पे आ जाएं, ये भी सिमिलर होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क ही होता है। देखें यहाँ पे इनमें फर्क ये होता है कि ये इस फॉर्म में नहीं होते, लिखा हुआ है ना पी अपॉन क्यू, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते इरेशनल नंबर। और पी और क्यू जो है वो इंटीजर हो, लेकिन क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल, जो कि इस फॉर्म में नहीं लिखा हो और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए रैशनल का बताया था कि ये रैशनल इस तरह से होते हैं और इरेशनल माइनस अंडर रूट टू, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, इस तरह से ये है इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इरेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें जो इनफाइनाइट तक जाए, यानी कि जो रुके नहीं और होता जाए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहेंगे, ठीक है। और नॉन रिक्योरिंग यानी कि उसमें जो है कोई ऐसी वैल्यू जो है वो रिपीट ना हो, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखें जैसे 1, 4, 2, 8, 5, 7, अब ये आगे भी डिवाइड होता रहेगा और इसमें वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है, इसमें और भी आगे वैल्यूज आती रहेंगी लेकिन ये रिपीट नहीं होंगी, तो इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। और ये होता है नॉन रिक्योरिंग, इसको कहते हैं नॉन रिक्योरिंग और इसको कहते हैं रिक्योरिंग, यानी कि इसमें 666 आ रहा है। अगर यहाँ पे जैसे 1, 4 या 2, 3 दो बार आ जाता तो यानी कि ये भी जो है रिक्योरिंग होता है, लेकिन ये नॉन रिक्योरिंग इसलिए है क्योंकि इसमें जो है रिपीट डिजिट नहीं हो रहे, और यहाँ पे जो है रिपीट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, रिक्योरिंग, और ये है नॉन रिक्योरिंग, ठीक है। इरेशनल नंबर में हमेशा इनफाइनाइट तक वैल्यूज जाएंगी, ठीक है, और उसमें जो है नॉन रिक्योरिंग होगा, यानी कि वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं होंगी, यानी कि आपका क्वेश्चन में जो है कोई रिपीट वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है। इस तरह से आपने फर्क जाना कि इरेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। उसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 23। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी कि देखिए स्क्वायर का मतलब आप लोगों ने जो पढ़कर आए वो ये होता है स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम इस तरह से स्क्वायर इसका मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई डिजिट लिखा हुआ है मेरे पास 2, तो 2
टू का डबल क्या होगा, यानी कि टू पे अगर मैं स्क्वायर लगा दूं, इसका मतलब है कि टू टू टाइम्स है, इस तरह से कि टू मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू फोर। अगर मैं थ्री ले लूं तो थ्री पे स्क्वायर लगा दूं, स्क्वायर मतलब डबल, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री थ्री ज नाइन। इसी तरीके से फोर का भी स्क्वायर लगाऊंगी फाइव का भी, तो स्क्वायर हम पावर को कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर पावर ऑफ स्क्वायर, यानी कि पावर जो है पावर क्या होगी टू। जैसे कि अब मुझे जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर का निकालते थे, अगर हम साइड निकालते तो हम साइड में क्या किस तरह से करते थे, स्क्वायर एस मल्टीप्लाई बाय एस। इसी तरीके से जब हमें साइड निकालनी होती थी हम क्या करते थे, एस मल्टीप्लाई बाय एस, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसी तरीके से जब हमें टू का निकालना होगा स्क्वायर, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, टू का स्क्वायर जब हमें निकालना होगा तो टू मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फोर। थ्री का स्क्वायर निकालना होगा तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे तो नाइन। फोर का निकालना होगा तो हम फोर मल्टीप्लाई बाय फोर करेंगे। इसी तरीके से सबका स्क्वायर करते जाएंगे, यानी कि एक वैल्यू ने डबल वैल्यू, ठीक है, इस तरह से जो है ये इसको स्क्वायर कहते हैं। और दूसरा जो है परफेक्ट स्क्वायर, कह रहे हैं कि द परफेक्ट द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री एंड इनफाइनाइट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इन सबका जो है परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ऑलवेज फ्रॉम पेयर्स। उसका जो है जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने दे दी 1764, इसमें कह रहे हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, 2, 2, 3, 3 और 7, 7। देखिए इसके पेयर्स बन रहे हैं, कैसे, 2 का 2 से पेयर बन गया जिसके डबल डबल पेयर बन गए। मैंने अभी आपको बताया ना कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल। अब यहाँ पे डबल डबल पेयर बन गए, जैसे अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 दो दफा लिखा हुआ है, 3 दो दफा लिखा हुआ है, 7 दो दफा लिखा हुआ है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, किसका, 1764 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी 854 की, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द प्राइम फैक्टर 2 × 7 × 6 1। अच्छा, ये जो है इन्होंने जो फैक्टर्स निकाले, आपको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हम एलसीएम के जरिए निकालते हैं, ठीक है, इन्होंने जो है एलसीएम से लेके ये फैक्टर्स निकाले। यहाँ पे भी इन्होंने एलसीएम से फैक्टर्स निकाले, देखिए यहाँ पे 2 के साथ एक और 2 है, नहीं है, 7 के साथ भी नहीं है कोई एक और, 761 के साथ भी नहीं है, तो ये इसके पेयर नहीं बन रहे, तो ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह दिया कि 854 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको, दिस स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एंड द नंबर दैट प्रोड्यूस द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर रूट होती क्या है। अच्छा, स्क्वायर रूट जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट, यानी ये जो है ये रूट होता है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, ये जो है वो रूट होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है, इस रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास अंडर रूट फोर। अब यहाँ पे मुझे इसका क्या बताना है, परफेक्ट, मुझे यहाँ पे इसका बताना है स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होगा। अब यहाँ पे पहले 2 के फैक्टर्स बताने, 4 के फैक्टर्स बताने, 4 के फैक्टर्स आप कैसे बताएंगे, एलसीएम लेके, आपने ये छोटा सा यहाँ पे एलसीएम ले लेना है 4, अब छोटे टेबल से करेंगे 2 × 4, 2 × 2, इसके फैक्टर्स क्या है, 2 × 2, आपने इसी के अंदर लिख दिए रूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अभी हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, ठीक है, अभी मैंने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था तो मैंने यही बताया था ना कि 2 की पावर 2 होगी तो वो 2 × 2 कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 × 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 पे पावर लगा दूँ, ठीक है, 2 पे स्क्वायर लगा दी मैंने, इसको स्क्वायर कहते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो मैंने 2 पे स्क्वायर लगा दी। अब देखें यहाँ पे रूट की क्या वैल्यू है, 1/2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रूट को इस तरह से लिखूं 1/2, मैंने रूट हटा दी इसकी जगह मैंने 1/2 लगा दिया, बात एक की, अगर मैं रूट भी लगाऊं या 1/2 लिखूं। और देखें हम जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, तो यानी कि अंडर रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, 2, ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट हुआ 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि देखें
अंडर रूट 4 है और 4 किसका स्क्वायर है, यानी कि 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये, यानी कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25। अब यहाँ पे मुझे पता है कि 5 का क्या होता है 25, ठीक है। अब मैंने इसके यहाँ पे क्या कर लिया, ये 2 लिखा हुआ है, मैंने इसको 1 लिख के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दूंगी। यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से शो करवाया कि पता चले कि ये कट क्यों रहा है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाती है, क्यों होती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट कह रहे ना इसे, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, एक तो स्क्वायर कह रहे हैं और ऊपर से रूट, स्क्वायर यानी के 2 और रूट मतलब ये, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से ही मैंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 3 की एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अंडर रूट थ्री का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो क्या है, 3। कैसे, 3 3 9, इन्होंने पहले इसका पेयर्स बना लिए, 3 3 9 कर लिया, उसके बाद इन्होंने 3 पे स्क्वायर लगा दी और इस रूट की जगह पे 1/2 लगा दी, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इनका आंसर आ गया 3। इन्होंने देखिए यहाँ पे करके दिखाया कि अंडर रूट 3 का, ये देखें इस तरह से इन्होंने मेंशन करा दिया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 3। अच्छा यहाँ पे जो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट इज नॉटेड बाय रेडिकल सिंबल, यानी कि इस तरह से जो है हम जो है स्क्वायर रूट को शो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है द नंबर इन साइड दिस स्क्वायर रूट सिम्बल इज रेडिकेंट, यानी कि इसके अंदर जो सिम्बल लिखा होगा रूट के अंदर उसको रेडिकेंट कहते हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पे अब आप आ जाएं एक्सरसाइज 2 पे, पेज नंबर 30, एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। दिस स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। मैंने अभी आपको बताया कि जो इस तरह से रूट का सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं, इस तरह से उसको क्या कहते हैं, रेडिकल, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर रूट के सिंबल को हम क्या कहते हैं, रेडिकल, देखें यहाँ पे, और अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेडिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस सिंबल को, ये किसका है, स्क्वायर रूट का, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेडिकल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट 4761 कंटेन डैश डिजिट, ये बात तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट में जैसे अब हम कभी भी जैसे इस तरह की वैल्यू है 4 है 25 है, ये कितने कितने नंबर्स जो है उसके अंदर शामिल है, 2 नंबर्स हैं, जैसे कि 2 है ये, तो ये भी 2 टाइम्स है, ये 5 है, ये भी 5 टाइम है। अब यहाँ पे एक वैल्यू देती है 141761, तो ये कितने नंबर्स पे जो है वो मुश्तमिल है कि क्या नाम है इसका, स्क्वायर रूट बन जाए। तो अब हमें ये बताने कि ये कैसे स्क्वायर रूट बनेगा। स्क्वायर रूट इस तरह से हम निकालेंगे कि देखें यहाँ पे आप रफर में करके देख लीजिए, 69 को अगर आप 69 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 4716 बन जाएगा। तो यानी कि इस तरह से ये काम होगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 4761, इसका मुझे क्या बताना है, स्क्वायर रूट, तो मुझे इसका इस तरह से स्क्वायर रूट बताना होगा कि मैं अगर 69 को मल्टीप्लाई करूँ 69 से, तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ये लिखा जाएगा, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 69। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये कितने डिजिट पर होगा, 2 पर होगा, क्योंकि 69 कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, 2, ठीक है, इस तरह से लिख देना। उसके बाद अच्छा यहाँ पे दिस स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन इटसेल्फ। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं दिस स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन में वैल्यू ली, ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगी, जिसका स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2, और इसका स्क्वायर होगा 4 × 4, तो 2 × 4 और 4 × 4 = 16। अब यहाँ पे देखिए 4 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 0.25, ये आप लोग रफवर्क में डिवाइड करके देखिएगा, और 2 को डिवाइड करूंगी 4 से तो मेरे पास आएगा 0.5। तो बताएं स्क्वायर से पहले वाली वैल्यू बड़ी है या स्क्वायर से के बाद वाली वैल्यू, स्क्वायर के बाद वाली वैल्यू छोटी हो गई और उससे पहले वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे इस तरह से मेंशन करेंगे कि
द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस, यानी कि स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो छोटा होता है किससे, जो उससे पहले वाली वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, द डैश मेथड इज यूज टू फाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा मेथड जो है वो हम स्क्वायर रूट को का नंबर फाइंड करने के लिए निकालते हैं और परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करने के लिए निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया कि स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं। वो इसलिए देखें यहाँ पे काफी टाइम जैसे ऐसे आता है कि 2, 4 है, अब यहाँ पे 5 आ गया, तो अब हम इसके लिए क्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका तो कोई फैक्ट एलसीएम नहीं होगा, ठीक है, तब हम इसके लिए क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 4 का तो हमें पता है 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 होते हैं, लेकिन 5 किस तरह से फाइंड करेंगे, 3 किस तरह से फाइंड करेंगे, इन सबको निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिवीजन मेथड। और ये कौन सा फंक्शन होता है, मतलब ये कौन सा मेथड है, ये स्क्वायर रूट का मेथड होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का नहीं होता। तो स्क्वायर रूट के मेथड में हम डिवीजन मेथड भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 पे आ जाएं। द स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज, यानी मुझे बताने के 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 20 का स्क्वायर रूट हम इस तरह से फाइंड करेंगे, देखें 20 का स्क्वायर रूट इस तरह से फाइंड करना है, 20 लिखा हुआ है, ठीक है, 20 पे रूट लगा देंगे हम। अब देखें 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 और 0 तक जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 5 जो इसके फैक्टर्स है वो आपने इस तरह से रूट में लिख लिए, 2 × 2 × 5, ठीक है। अब यहाँ पर जिस पे स्क्वायर आ रहा है मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 2 × 5, और ये क्या है 2 जो है वो 2 टाइम में मैंने इस पर स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन वो खाली किसके ऊपर से हुई है, सिर्फ 2 के ऊपर से हुई है, 5 के ऊपर जो है वो स्क्वायर नहीं लगा हुआ, यानी कि 5 पर मौजूद है, मैं इसको इस तरह से लिखूंगी 5 के ऊपर मौजूद है स्क्वायर रूट और 2 बाहर आ गया, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो अब मुझे 5 का √5 मुझे पता होना चाहिए। तो अब मैंने आपको बताया था कि हम डिवीजन मेथड किस में लगाते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू जिसका मल्टीपल नहीं हो रहा हो, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने 2 का बताया था इसके पेयर बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 का कोई पेयर बन रहा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई, 1 × 1 = 1 होता है, ठीक है, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, आप इस तरह से 1 × 1 हर 5 × 5 = 25, इस तरह से करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। किस तरह से आप यूज करेंगे कि आपने 5 अंदर रखा, ठीक है, और उसके बाद देखें यहाँ पे इस तरह से हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पे 5 है, अब हमें जो जिस नंबर से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर ऊपर वही नंबर लिखेंगे, जैसे कि 2 × 2 = 4, ठीक है, इस तरह से करेंगे कि 2 और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर भी ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे 1 × 1 हो जाएगा, लेकिन हम लोग जब डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसके करीब करीब वाली वैल्यू लिखते हैं, या तो वही आ जाए या फिर उससे छोटा नंबर आ जाए, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू ना आए, करीब करीब नंबर आए, तो 1 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 = 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो हमने क्या ले लिया 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, देखिए इसके लिखने का तरीका ये है कि आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर दोनों नंबर जो आमने सामने लिखेंगे, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, 2 × 2 = 4, तो आपने लिख दिया 2 × 2 = 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 × 2 = 4। उसके बाद जो नंबर आप ऊपर लिखेंगे वो नंबर आप यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, आपने जो नंबर ऊपर लिखा वो आपने यहाँ पे भी लिखा दोबारा, और इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें 5 में से 4 माइनस करें, आप 5 में से 4 माइनस करें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। उसके बाद अब आपने यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, अब यहाँ पे आपने पॉइंट जो है वो ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ से आपने पहले आपने उतारा 0, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उतारा एक और 0, ये हो गया 100। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि 2 + 2 जो है वो हमारे पास आ गया था 4। अब कौन सी ऐसी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको कि 100 आ जाए। अब यहाँ पे देखें, अब इसमें ये करना होगा कि 40, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं अगर 1 लूंगी और मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 × 1 = 1, 1 × 4 = 4, मेरे पास आंसर आएगा 41 को, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा क्या 41, तो ये 100 से छोटा है। अब मुझे 100 लेकर आना है,
तो मैं क्या करूंगी, 41 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। देखिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो नंबर हमें यहाँ लिखना है वो नंबर हमेशा हमें ऊपर भी लिखना है। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करके तो 4 आ गया, लेकिन यहाँ पे मुझे जो नंबर लिखना है वो ऊपर भी लिखना है, यानी कि इधर इधर वाली वैल्यू जो है वो सेम लेनी है। अब यहाँ पे मैंने 2 से करा, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब मैं 3 से भी करके देख लेते हैं, 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो यानी कि ये बड़ा हो गया, तो मुझे कौन सा लिखना है, ये वाला लिखना है। ठीक है, 84। तो मैंने यहाँ पे से लिखा के 42, यानी कि 4 के बाद यहाँ पे 2 लिखा और ऊपर भी 2 लगा दिया, तो 42 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 84। अब यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि 1 यहाँ से ले लेंगे, 10 लिखा हुआ यहाँ से 1 ले लेंगे, ये हो गया। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचा, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचा। ठीक है, अब ये आगे और सिंप्लीफाई होता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस बात का, अब यहाँ पे हमने 2 लिखा था तो आपने यहाँ पे भी 2 लिख देना है, आपने यहाँ पे भी 2 लिख देना है, और फिर उसके बाद आपने इनको ऐड कर लेना है। ये 4, ये भी हो जाएगा 4 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 2 2 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन अभी हमें पॉइंट के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट ले लिया, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक से पूरा क्वेश्चन नहीं है। हमने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, जो यहाँ पे हमारा आंसर आया ना, वो हमने यहाँ पे क्या किसके पास लिखा, यहाँ पे इसके पास लिखा कि अंडर रूट 5 का क्या आया हमारे पास, स्क्वायर रूट 2.2। ठीक है, 2.2, और यहाँ पे क्या है, 2 क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई की साइन लगाई, यहाँ पे 2 लिखा। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपके पास आ गया 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 to the 4। और पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, 1 डिजिट के बाद है तो हमने यहाँ पे लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 4.4। हमने यहाँ पे लिख दिया 4.4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हमारा ट्रू एंड फॉल्स बताने के, अच्छा यहाँ पे जो है 100 और 200 का बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 2 4, 4 4 16, 8 8 64, 7 7, इस तरह से जो है हम करेंगे। सही है, अब यहाँ पे 100, अब आप चेक कर लें कि 100 जो है वो किस कौन सा ऐसा नंबर लें जो कि हमारे पास 100 का हम उसको वो 100 बन जाए, यानी कि अगर हम 10 10 करें तो 10 10 क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन मैं 200 का कर सकती हूँ। 200 का आप कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे जैसे कि 200 आ जाए, आप करके देख लीजिएगा, तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स होगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमने जो है 1 by 1 इस तरह से करेंगे, आप बस 10 तक करिएगा, 2 2 4, 4 4 16, आप एक चार्ट बना लीजिएगा इस तरह से, आपकी बुक में भी गिवन है ये देखें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 का यहाँ पे 15 तक का जो है चार्ट गिवन है, कि 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 1 1 2 1। अच्छा यहाँ पे देखिए 200 का कहीं पर नहीं आ रहा, और 12 के बाद जब हम 12 का स्क्वायर लेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 144, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169, 14 का करेंगे हम 196 आ रहा है, और 15 का करेंगे तो 225 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 200 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 200 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 100 का है, ये देखिए 100 का लिखा हुआ है, तो 100 को अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100। ये जो x वाली वैल्यू है ये सिंगल वैल्यू है, अगर हम इसको डबल कर देंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 आ रहा है 196, 14 मल्टीप्लाई पे 14 196 आ रहा है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट जो है क्या आ गया 225 आ गया। ठीक है, 225 आ गया, यानी कि 200 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, अगर हम किसी भी जैसे नंबर का, किसी भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो उसका आंसर इवन आएगा, तो ये बात सही है, तो आप इस पे ट्रू लिखिएगा। ठीक है, 2.43157682 इज एन
इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, और दूसरा ये कि उसके जो नंबर्स होते हैं वो नॉन रिपीटेड होते हैं, जैसे कि नॉन रिक्योरिंग यानी कि नॉन रिपीटेड, यानी कि ये थ्री एक दफा आ रहा है, वन एक दफा आ रहा है, फाइव सेवन सिक्स नाइन सब नंबर्स जो है वो एक एक दफा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल है। तो यहाँ पे देखेंगे इनफाइनाइट तक जा रहा है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद वाले, ठीक है, पॉइंट के बाद वाले नंबर देखते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर रिपीट ना हो, तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, यानी कि ये इरेशनल है। यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे, दिस स्क्वायर रूट थ्री फोर फाइव कंटेन टू डिजिट, ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से थ्री फोर फाइव का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगी, देखिए वन वन जा वन होता है और टू टू जा फोर, तो यहाँ पे अगर मैं टू टू जा लिखूंगी फोर तो ये थ्री से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या लेना है वन, तो वन वन जा वन ले लिया मैंने, ठीक है, वन वन जा वन, थ्री में से वन माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा टू, ठीक है, थ्री में से वन माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेगा टू। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है वन, तो यहाँ पे मैं जिस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी वही नंबर मैं यहाँ पे भी लिखूंगी, ठीक है, पहले मैंने लिया वन वन जा वन, ठीक है, लेकिन मुझे जो यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा वो नंबर यहाँ पे भी लिखा जाएगा ऐड करवाने के लिए, वन और वन टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे ऊपर से दो डिजिट उतार लेना है फोर और फाइव को, अच्छा यहाँ पे अब लिखा हुआ है टू, अब मैं यहाँ पे वन बाय वन ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना टू, अब यहाँ पे टू के बाद मैं वन, जब मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन ही हो जाएगा। अब मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा टू टू द फोर, टू टू द फोर फोर्टी फोर आएगा, मुझे लाना है टू फोर्टी फाइव, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू लानी है, तो ये फोर्टी फोर तो बहुत छोटा था, मुझे बड़ा नंबर लेना चाहिए, तो टू टू सिक्स ले लें, सिक्स वन सिक्स सिक्स टू जर ट्वेल्व, सिक्स वन सिक्स सिक्स टू जर ट्वेल्व थर्टी वन थर्टी टू, यानी कि इससे भी बड़ा नंबर लेना है। तो इस तरह मैं वन बाय वन मल्टीप्लाई करती रहूंगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है बल्कि सिक्स लेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे जो नंबर यहाँ लेंगे वो नंबर यहाँ पे भी लेंगे, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स, तो यहाँ हो जाएगा थर्टी सिक्स, ठीक है, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स टू जा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी, ठीक है, इस तरह से। अब आपने जो है इस तरह से, अब ये वन फिफ्टी सिक्स भी छोटा है, अब आप इस तरह से जो है सेवन ले लेंगे, सेवन किस तरह से लेंगे, टू सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन इस तरह से करें, ठीक है, अगर इससे भी ना है टू एट मल्टीप्लाई बाय एट, अब यहाँ पे मैंने क्या किया टू एट मल्टीप्लाई बाय एट किया तो मेरे पास आया टू फोर्टी फोर, ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया टू एट, एट यहाँ पे भी लिखा और एट यहाँ पे भी लिखा, यानी कि ट्वेंटी एट को मैंने एट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया टू फोर्टी फोर आया, ठीक है। अब जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगी वो नंबर मुझे अगले स्टेप में नीचे भी लिखना है, ठीक है, मैंने अगले स्टेप में नीचे लिखा और फिर उसके बाद, अच्छा यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे टू में से टू माइनस करेंगे, फोर में से फोर माइनस करेंगे, फाइव में से फोर माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा वन। अच्छा मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कितने डिजिट आएंगे जब मैं इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर लूंगी, देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट आएंगे वो काउंट करने हैं, तो कितने आए टू आए, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि थ्री फोर फाइव के में जो है इसके दो डिजिट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ रहे थे हमारे पास, दो आ रहे थे, तो यानी कि ये सही, ठीक है। उसके बाद जो है दिस स्क्वायर रूट ऑफ फोर हंड्रेड इज ट्वेंटी, अब आप इसको स्क्वायर रूट करके देख लें कैसे निकालेंगे आप इसका जो है एलसीएम लेके देखना आप, ठीक है, अगर इस 20 से इसका एलसीएम लें और अगर ये टू टाइम्स आए जैसे कि 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इस तरह से करके देख लें, तो यहाँ पे अगर 400 बन जाएगा तो ये इसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आपने अगर ये आ जाएगा तो आपने ट्रू लिख देना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 20 ये देखें लिखा हुआ क्या है 400 अगर हम इसको 20 से देंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएंगे 21 जा 20 22 जा 20 इसमें लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि 400 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है 20 400 का, अब यहाँ पे मैंने 400 लिखा और 20 इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे देखें 20 का अब हम इस तरह से करेंगे कि 20 जा 400 हो जाएगा और 21 जा 20 यानी कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन इसका स्क्वायर रूट बन रहा है, कैसे अगर हम 400 को लिखेंगे और इसके अंदर 20 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख दें और इसकी जगह पे हम 20 का स्क्वायर लिखें और इसको कैंसिल कर दें 20 बनेगा इसको स्क्वायर रूट, ठीक है,
ये बनेगा तो यहाँ पे 20 आ गया इस तरह से, तो ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पे 4 आ जाता है, 9 आ जाता है, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आसान होता है, हम इसका एलसीएम लेके फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे 5 आ गया, इसके अलावा बड़े बड़े जैसे नंबर्स आ गए, जैसे 3, 3, 4, 5 आ गया, अगर हम इसे इसका एलसीएम नहीं लिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 2, 2.09। अब यहाँ पे हम किससे सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है मैं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझाऊंगी डिवीजन मेथड किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो आपके पास नंबर था, आपने जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, आपने वो ये वैल्यू लिखी 2, 2.09। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपने पास से नंबर लेना है। अब आपने यहाँ पे कैसे सोचना है कि यहाँ पे क्या लें हम नंबर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 22। अच्छा, ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि पॉइंट के बाद हमेशा हम दो दो डिजिट उतारेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पॉइंट से पहले जितने नंबर्स होंगे हम उनको एक साथ करेंगे। अगर सिंगल डिजिट है तो हम सिंगल डिजिट को डिवाइड करेंगे, अगर 2 हैं, 3 हैं, तो हम 2 को 3 को साथ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 22, तो यहाँ पे हम क्या पहले किसका करेंगे, 22 का करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मुझे ऐसा नंबर लेना है कि जिसमें 22 आ जाए, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मेरे पास 22 आ जाए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। तो 5 5 जा क्या होगा, 25। यानी मुझे देखिए ऐसे नंबर लेने हैं, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। यानी कि इसका जो क्या नाम है, यूं समझे कि इसका स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे इस तरह से नंबर लेने के जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर यहाँ पे ही है। अब मुझे लेना है 22, 22 नहीं आ रहा, लेकिन देखें 1, 4, 9, 16 और 25। यहाँ देखें 1, 4, 9, 16 और 25 आया, मैंने लाइन से नंबर शो करा है। ठीक है, अब इससे मैं 6, 6 को लूंगी तो ये और 25 से बढ़ा जाएगा। मुझे क्या लेना है यहाँ पे, 22 तो नहीं आ रहा, लेकिन उससे बड़ा आ रहा है और उससे छोटा आ रहा है, तो बड़ा नंबर मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैं क्या ले लूंगी, छोटा नंबर। तो छोटे नंबर में क्या आ रहा है, 4। यानी कि अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा और ऊपर भी 4 लिखा, 4 4 जा 16, तो मेरे यहाँ पे 16 आ गया। अब यहाँ पे किस तरह से माइनस करवाने के, 2 में से 6 माइनस करना है, तो 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, बराबर से 1 पावर ले लेंगे। ठीक है, अब 1 यहाँ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद यहाँ देखें, जिस नंबर से, यानी कि मैं 4 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो जो नंबर हमने यहाँ लिखा है वो नंबर हम यहाँ पे भी उतार लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 4 4 16 किया, तो यहाँ पे क्या आया, 4 आया ना, तो मैंने यहाँ पे उसी नंबर से ऐड भी करवाना है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और 4 में 4 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 8। ठीक है, यहाँ तक जो है मेरे पास 8 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे 6 बचा, अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, पॉइंट को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 0 उतार लिया और फिर मैंने यहाँ पे 9 उतार लिया, मैंने 2 डिजिट उतार लिया। अब ये क्या हो गया, 6 0 9। अब देखिए यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब इसके बाद मैं ऐसा क्या नंबर लूँ, सेम सेम ऊपर आए। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर लेंगे वही नंबर ऊपर भी आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ तो यहाँ पे भी 1 आए, अगर मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ तो यहाँ पे भी 2 आए, यहाँ पे 3 ले रही हूँ तो यहाँ पे भी 3 आए। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर लेना है जो 6 0 9 आ जाए। यानी कि अब यहाँ पे जैसे मैं इसको इस तरह से करूंगी कि 80, यहाँ पे जैसे 81 लूंगी तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे भी 1 लिया, 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 तो मेरे पास क्या गया, 81। मल्टीप्लाई पूरे नंबर से करना है, लेकिन सेम नंबर कौन कौन से होंगे, ये और ये, कौन कौन से, ये और ये, इस तरह से। यानी कि यहाँ पे आने वाला नंबर, यहाँ पे आने वाला नंबर सेम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 ले रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं 2 लूंगी, लेकिन मल्टीप्लाई में किससे करूंगी, फिर मैं 82 से मल्टीप्लाई करूंगी, 82 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मैं 83 लूं तो 83 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 3 9 24, 3 8 24। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू 609 से बहुत छोटी वैल्यू, यानी मुझे आहिस्ता आहिस्ता और बड़े नंबर की तरफ जाना है।
जब मैं आईसीएस से बड़े नंबर की तरफ गई तो मेरे पास क्या है 87, तो जो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7s 49, 7 8s 56, 56 में 4 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 60, तो यानी कि ये मेरी पूरी वैल्यू बन गई, ठीक है 609। तो मैंने क्या किया, 7 यहाँ पे भी लिखा और 7 यहाँ पे भी लिखा, यानी कि जो यहाँ पे लिखा वो नंबर वो यहाँ पे भी लिखा जाएगा। 844 को ऐड किया हमने तो 8 आया और 7 और 7, यानी कि 87 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, तो मेरे पास क्या आ गया 609। अब 9 में से 9 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं, 6 में से 6 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब जो नंबर मैं यहाँ ऊपर लिखूंगी वो नंबर मुझे नीचे भी लिखना है, तो यानी कि यहाँ पे किसके नीचे लिखूंगी, 7 के नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे 4 के नीचे लिखा था ऐसे ही मैं यहाँ पे 7 के नीचे लिखूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 एज इट इज, ऐड करते हैं तो 7 7 14। अच्छा यहाँ पे पहले इस तरह से ऐड करेंगे, 7 7 14 आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, ठीक है 1 पावर और 8 9। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारा हो गया कंप्लीट, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 4.7, इसका आंसर आएगा 4.7, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए आप सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन है, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से पॉइंट वाला ही आपको खुद करना है, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट भी आपको खुद करना है, फाइव पार्ट में आपको करवा देती हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 0.008226 49, ठीक है। मैं इसका जो है आपको सेकेंड पार्ट लास्ट वाला पार्ट जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। इसमें पॉइंट से पहले हम क्या लेंगे, 10, ठीक है। पॉइंट से पहले कितने, 10 लगा हुआ है, तो हम पहले 10 को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि मैं ऐसा नंबर क्या लूं जो मैं नीचे भी लिखूं और यहाँ पे ऊपर भी लिखूं, तो मैंने क्या लिखा, 0 0 0, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 1 1 लिखूंगी, 1 तो 1 तो बड़ा हो जाएगा 0 से, तो मैंने क्या ले लिया, 0 0 0, तो मेरे पास यहाँ पे 0 में से 0 माइनस किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अच्छा जो नंबर मुझे ऊपर लिखना है वो नंबर मुझे यहाँ पे 0 के साथ ऐड भी करवाना है, तो यहाँ पे क्या आया था 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अब 0 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। 0 में 0 ऐड किया तो हमारा आंसर आया 0। अब उसके बाद पॉइंट के बाद, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, पॉइंट हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद दो डिजिट उतारेंगे, दोनों डिजिट उतार लिए, दोनों क्या है हमारे पास 0। अब यहाँ पे मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 0 0 आ जाए, तो यानी कि यहाँ पे मैं 0 ले लूँ, ठीक है, और जो नंबर हम यहाँ लेंगे वो नंबर हम ऊपर भी लेंगे, यानी कि अगर मैं 0 को दो 0 को अगर मैं 1 0 से मल्टीप्लाई करा दूँ, यानी कि इस तरह से 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमारा आंसर आएगा 00, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिया 0 0। देखिए ये वाली जो होती है ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 लिया और यहाँ पे भी मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 0 लगाए तो मैंने 0 0 को मल्टीप्लाई कराया 0 से, तो मेरा आंसर क्या आया 0 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 0। अच्छा उसके बाद 0 में से 0 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। जो मैंने ऊपर नंबर लिखा है वो मैंने नीचे नंबर उतार लिया, कौन से नंबर के साथ उतारा, जो यहाँ पे लिखा है ना और इसको इससे मल्टीप्लाई कराया है, तो इसी नंबर के नीचे, यानी कि ये वाले नंबर के नीचे उतारना है। उसके बाद 0 एज इट इज, 0 में 0 ऐड करेंगे 0। अच्छा अब यहाँ तक, फिर उसके बाद अब हम ऊपर से दो डिजिट और उतार लेंगे, 8 और 2। अब मैंने 8 और 2 उतारा, अब मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूं जो मेरे पास 82 आ जाए, तो यहाँ पे देखें हमें इस तरह से करना है, 1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 9 9 81, ठीक है। मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। 9 9 81 होता है, तो 9 9 81 और 10 10 100, यानी 10 लूंगी तो वो तो बड़ा हो जाएगा 82 से, तो मैंने क्या ले लिया 9। तो मैंने 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 9 को जब मैंने 9 से, देखिए आगे 0 लगे मैं इसका कोई फायदा नहीं है, अगर मैं इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर तो 81 ही आएगा। 9 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 81, ठीक है। 81 लिखा मैंने, 82 में से 81 माइनस करवाया था, इसका आंसर क्या आया मेरे पास 1। अच्छा अब यहाँ पे देखें, 0 एज इट इज, आप चाहें तो 0 नहीं भी लिखे मसला नहीं है, क्योंकि आगे लगे मैं 0। अच्छा 9 और 9 क्या हो गया 18, जो ऊपर नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर नंबर आएगा वही नीचे भी नंबर आएगा, तो 9 9 81, 9 में 9 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 80,
ठीक है, यहाँ पे एडिशन होगी, 18 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखें आप, 2 में से आपने 1 माइनस किया, आपके पास आ गया क्या 1। उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर से उतार लेना है 2 और 6। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्या नंबर लगाऊं 18 के साथ के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 18, अब मैं 18 के साथ ऐसा क्या नंबर लगाऊं कि मेरे पास क्या आ जाए 126 आ जाए। तो 18 टू ज़ा अगर मैं लगाऊंगी तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2 3, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर जा रहा है 364 इस नंबर से, ठीक है, इस नंबर से तो बहुत बड़ा नंबर जा रहा है। और अगर मैं 180 भी लूंगी तो मेरे पास जो है यहाँ पे 180 भी बल्कि बड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया 0 से, तो मैंने 180 लगा दिया, 180 को मैंने जब 0 से मल्टीप्लाई करा है तो मेरे पास आंसर क्या आया 0, ठीक है। तो 6 एज इट इज, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, ठीक है। अब मैंने ऊपर से 4 और 9 उतार लिया यहाँ पे, ठीक है, 4 और 9। और यहाँ पे मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराया था, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मैंने 0 लिखा और उसको ऐड कर दिया। ये एज इट इज उतार लेंगे, इनको नहीं भी उतारे मसलन 180, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 12649 आ जाए, तो 180 को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि यहाँ पे भी वही नंबर है, यहाँ पे भी वही नंबर है। तो पहले हम 180 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से कि 180 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 33 से करेंगे, फिर अगर नहीं आए तो 44 से करेंगे, इस तरह से हमें करते जाना है। तो जब तक कि ये आंसर ना आ जाए या अगर इससे छोटी वैल्यू ना आ जाए तो हमें यहाँ तक रोकना नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या आ गया, 180 को जब मैंने 1807 ले लिया, मल्टीप्लाई किया 7 7 7 49, 7 0 0, 4 एज इट इज, 7 8 56, 5 ऊपर पावर 7 1 7, 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो यानी कि ये अगर मैं 180 को 7 से 180 को 7 से 1807 को जो है मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये आंसर आएगा 12649। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 यहाँ पे भी और 7 यहाँ पे भी। अच्छा, फिर उसके बाद आप ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, अगर आप ऐड करके लिखना चाहें 7 क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है तो आप ऐड करके लिख लें, लेकिन यहाँ तक हमारा स्टॉप हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ये आंसर आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, किसका, 0.00822 का। पहले जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर जो किया था वो 3 किया था, तो उसमें जो है डेसिमल में थे उन तमाम वैल्यूज को जो है वो करना था। अब मैंने आपको सिखाया था 105 पार्ट सिखाया था, आपको 3 पार्ट जो है वो खुद करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, इसमें जो है होल नंबर गिवन है आपके पास, इस तरह से आपको दिया हुआ है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 2 9 49। अच्छा, यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे, 49 को मल्टीप्लाई करें आप 2 से, ठीक है। आप जब 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके बाद जो है यहाँ पे आपने 49 मल्टीप्लाई बाय 2 करें आप, तो आपके पास आ जाएगा 92 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो उसके बाद 9 ऐड करें आप तो आपके पास आ जाएगा 107। तो 107 डिवाइड बाय 49, इस तरह से आपने ये वैल्यू आएगी आपके पास। आपने जो है जब इसके बाद यहाँ पे अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो आपने इसके बाद रूट लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 49 का हमें स्क्वायर रूट पता है। देखें यहाँ पे इस टेबल में देख लें आप, वैसे तो आप खुद बना लीजिएगा इस टेबल को ताकि आपको आसानी हो जाए। 49 आ रहा है, 7 7 49 आ रहा है, यानी कि 7 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि वो 49 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखें 7 7 से क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 7 को इस तरह से एक बार क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से मैं आपको करके बता रही हूँ कि 107 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 से क्या हो जाएगा 49, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दी। अब उसके बाद यहाँ देखें, जब मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ गई कि
107 पे तो रूट लगा हुआ है, लेकिन 7 पे रूट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे खाली 7 से रूट कैंसिल हुई, 107 से रूट कैंसिल नहीं हुई है। अगर यहाँ पे भी स्क्वायर लगा होता तो हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ खत्म कर देते हैं, लेकिन अभी खाली नीचे वाली वैल्यू के साथ खत्म हुई है। अब यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका जो है आप चार्ट में देखें, 107 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा है, ये देखें 107 100 के बाद से देखें, 107 100 के फौरन बाद ही आपके पास आ गया 121, यानी कि 10 के बाद आपने जब 11 को मल्टीप्लाई किया तो 121 आ गया। अब इसके बाद जाहिर है 11 के बाद से जब हम बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो बड़ी वैल्यू आएगी, 121 से छोटी वैल्यू तो आएगी नहीं, यानी कि 100 के बाद डायरेक्ट 121 आएगा, हमारे पास 107 नहीं आएगा। तो यानी कि ये जो है अब इसका डिवीजन मैथड हम यूज करेंगे, डिवीजन मैथड हम यूज करेंगे। हमने इस तरह से वैल्यू लिखी इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे 107 लिखा, पॉइंट के बाद हमारी मर्जी हम जितने भी डिजिट लगाएं, ठीक है, इस तरह से लगा लेना आपने पेयर्स बना के, क्योंकि दो दो का पेयर्स उतारेंगे। अभी हमने कितने लगाए, 3 पेयर्स बना दिया, ठीक है, 3 पेयर्स हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे आप इस तरह से करें, पहले आपने अब यहाँ पे वन, यहाँ पे कितने डिजिट है, पहले आप सिंगल डिजिट को डिवाइड करिएगा, फिर उसके बाद आपने दो डिजिट को डिवाइड करना है। अब आपने यहाँ पे इस तरह से करना है कि ये 1 लिखा हुआ है, तो आपने किस तरह से करना है कि 1 की टेबल में मैं कौन सा ऐसा नंबर लूँ जो कि 1 आए या 1 से छोटा है, लेकिन 1 से बड़ा ना है। अगर 1 आ रहा है तो मैं 1 लिखूंगी, लेकिन 1 से बड़ा नहीं लिखूंगी, तो 1 मंजा 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, 1 मंजा 1, और 1 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगी वो नंबर मुझे यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक डिजिट से कर दिया, तो आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई इसको किया है, जो नंबर ऊपर लिखा है आपने वो नंबर नीचे भी लिख लिया, ठीक है, आपने 1 ऊपर लिखा है आपने 1 नीचे लिख लिया। अब 1 और 1 को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, 7, ठीक है। अब मैं 7 तो जाहिर है 2 से छोटा है, ठीक है, तो 20 से छोटा है बल्कि। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और मुझे इसके आगे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो लगानी है, 1 लगाना है, 2 लगाना है, लेकिन 1 और 2 ये तो सब बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं 1 लगाऊंगी तो 21 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो ये तो 7 से बड़ी है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0, ताकि ये 7 से छोटा आ जाए। तो मैंने 2 तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद आ गया था, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 0, तो क्योंकि 20 0, क्योंकि जो मैंने यहाँ लिया है उसको मैं यहाँ पे भी लिखूंगी, तो 20 0 0, तो ये आ गया 0 0, ठीक है। 20 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 0 0, अब जो नंबर मैंने ऊपर लिखा है वो नंबर मैं इसमें ऐड करवाऊंगी, तो 20 0 0, यानी इसमें 0 ऐड करना है, तो 2 तो एज इट इज और 0 0 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखना है, 7 एज इट इज आपने लिख लिया, उसके बाद दो डिजिट आपने उतार लिया। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो आपने पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया, उसके बाद आपने दो डिजिट उतार लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 20, आप देखें 20, और यहाँ पे लिखा हुआ है 700। अब इसके आगे मैं ऐसी वैल्यू लगाऊं कि उस अगर मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास 600 आ जाए, ओ मेरे पास 700 आ जाए, ठीक है। लेकिन जो है मेरे पास, अब देखें वन बाय वन आप करके देखते हैं, 20 20 तो मेरे पास लिखा हुआ है, अब मैं इस तरह से 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 201 हो जाएगा, ठीक है, 201। लेकिन मैं 202 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 2 0 0 2 to the 4। फिर उसके बाद 203 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, लेकिन जो नंबर मैं 20 के आगे बढ़ाऊंगी वो नंबर मैं ऊपर भी लगाऊंगी, तो ये ऊपर वाला नंबर है और ये 20 के बराबर वाला नंबर है, तो 3 3 9, 3 0 0, 2 3 6, तो यानी कि मेरे पास जो आया वो 700 से छोटा नंबर आया, 609, 700 नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 800 तक पहुंच जाएगी। तो मैंने क्या ले लिया, 203 ले लिया, जो मैंने यहाँ पे 3 लगाया यहाँ पे 3, और मैंने मल्टीप्लाई किससे कराया, 3 से, तो मैंने यहाँ पे भी 3 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए फिर मैंने लिख दिया 603। अब यहाँ पे हम पावर ले लेंगे इससे, फिर उसके बाद इससे 10 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, और ये 9 एज इट इज, और 1 में से 6 में से 6 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, जो नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं ऊपर, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 203 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3। अब 2 एज इट इज, 0 एज इट इज, 3 और 3 में ऐड करें तो ये आ जाएगा 6, ठीक है।
अब यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है 91। अब मैंने ऊपर से दो जीरो और उतार लिए, ये देखें दो जीरो और उतार लिए मैंने, तो यहाँ क्या हो गया 9100। अब यहाँ पे देखें 206, और इसके आगे मैं ऐसा नंबर लिखूं कि मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कराऊं तो मेरे पास 910 आ जाए। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 204 को मैंने आगे 4 लगाया और मल्टीप्लाई कराया 4 से, तो मेरे पास क्या आंसर आया 8256। ठीक है, कैसे ये देखें इस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ कि 2064 मैंने मल्टीप्लाई कराया 4 से, तो मेरे पास आया 4 4 16, 4 6 24 25। ठीक है, 4 0 0 और ये आ जाएगा 2, 4 6 4 2 6, तो मेरे पास क्या आया 4 2 6, सॉरी 4 2 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 8256। ठीक है, यहाँ पे 8256 आपने लिख दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस जगह को मैं 5 से मल्टीप्लाई कराती, इसको ऊपर 5 लिखती नीचे 5 लिखती, तो हमारा फिर आंसर बड़ा आ जाता। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे 4 लिखा और ऊपर भी 4 लिखा। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, तो मेरा पास आंसर आ गया ये। ठीक है, अब आप इसको जो माइनस करवाएं 10 में से 6 माइनस कराएं तो आपके पास 4 आएगा, 9 में से 5 माइनस कराएं तो आपके पास 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 0, 0 में से 2 माइनस करवाएं तो फिर इसमें आपने यहाँ से 1 पावर ले लेना है, तो यहाँ पे 10 में से 2 माइनस कराएंगे तो आपके पास बचेगा 8। उसके बाद आपने इसको 2 एज इट इज, 0 एज इट इज, 6 एज इट इज और 4 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आपने कौन सी ऐसी वैल्यू लेनी है कि यहाँ पे ये नंबर आ जाए, तो आपको अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके करीब वाली वैल्यू आ जाए। अगर ये वैल्यू नहीं आ रही तो इसके करीब वाली वैल्यू आ जाए। तो आपने यहाँ पे 4 लिया, 20684 को मल्टीप्लाई कराया आपने 4 से, तो आपके पास आया 82763। ठीक है, आपके पास आया 82763, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखा तो उसके बाद आपने जो नंबर ऊपर लिखा है वही नंबर आपने नीचे भी लिखना है। अब यहाँ पे मैं आपको मजीद करके नहीं दिखा रही, क्योंकि देखिए यहाँ पे और सिंप्लीफाई होता रहेगा, लेकिन डेसिमल के बाद हमें पॉइंट के बाद हमने कितने 3 डिजिट ले लेने हैं या 2 डिजिट ले लेने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर कहीं पे मेंशन करके दें कि आपको पॉइंट के बाद जो इतने डिजिट लेने हैं, 4 लेने 5 लेने, तो फिर आपको करते जाना है, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई है, तो आप पॉइंट के बाद 2 जीरो भी लगा सकते हैं, 3 जीरो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा है कि आप 3 जीरो लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पे 10.344 में हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे और मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, आपने इसको माइनस करवा लेना है। ठीक है, या और मजीद आगे भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट के बाद बस 3 डिजिट लेंगे, और ये हमारा आंसर क्या आ गया आपके पास, इसका किसका आंसर आया अंडर रूट 107 का, आपके पास क्या आया स्क्वायर रूट 10344। ठीक है, 10.344 और नीचे वाले का क्या है 7। ठीक है, अब यहाँ से रूट तो खत्म हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो अब यहाँ पे इसका ये आंसर आया। अब इसको इससे डिवाइड करवाएं, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाना है, इसको आपस में डिवाइड इस तरह करवाना है कि आपने यहाँ पे लिया 7 10.344। ठीक है, आपने इस तरह से लेना है, तो 7 1 7। ठीक है, अब 7 में से 10 में से 7 माइनस करें तो आपके पास बचेगा 3। पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 3 उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप जो है इसको इस तरह से करेंगे 7 1 7 2 14 7 3 21 7 4 28 और 7 5 35। 7 4 28 कर दें, 7 4 28, क्योंकि छोटा नंबर है और 35 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब 33 में से आप माइनस कराएं 28 को, तो आपके पास बचेगा 5। ठीक है, अब आपने ऊपर से 4 उतार लेना है, 4 उतार लिया आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि 7 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 54 आ जाए आपके पास। तो आपने क्या किया, तो यहाँ पे आपने 7 7 से क्या ले लेना है, 7 7 49। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 7 8 से क्या होता है 56 होता है, 56 जो है वो 54 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे वो नहीं लिया। अब यहाँ पे 4 में से 9 माइनस कराया, 14 में से 9 माइनस कराएं, तो आपने जब 14 में से 9 माइनस किया तो आपके पास बचे 5। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे देखें आप मजीद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपने पॉइंट के बाद दो डिजिट ले लिए तो आपके पास आ गया 4 पॉइंट, यहाँ पे आ गया 1.47, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपका जो आंसर है वो आपका है 1.47। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। अभी हमने ये वाला पार्ट किया था, ठीक है, उसके बाद जो है अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, उसके बाद अब मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ 5 पार्ट। ठीक है, कि सिमिलर है, आप बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, आपने अब आप 5 पार्ट पे आ जाए। इसमें लिखा है 0.32472.9। अब मुझे इसका बताना है परफेक्ट स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या, इस तरह से पहले मेंशन कर देना आपने एक स्टेप और, यहाँ पे आपने इस पे स्क्वायर रूट लगानी है 32472.9। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है और इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो अब आपने क्या करना है, पहले इस तरह से पहले आपने इस स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिए ये कोई ऐसा नंबर नहीं है, अब आपको मैंने बताया जैसे 2 to the 4, 4 to the 16, इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यानी कि इसका जो है हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, जितने भी पॉइंट में नंबर आ रहे हैं वो हमें कौन से यूज करने पड़ेंगे, डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 0.32। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से इसका डिवीजन मेथड यूज करूंगी। ये देखा मैंने यहाँ पे लिखा 0.32324। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा। अब यहाँ पे देखें, पहले 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया 0 पॉइंट को, क्योंकि अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो यही आंसर आएगा, तो मैंने इसलिए 0 पॉइंट को 0 पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया 32, दो डिजिट लेते हैं, मैंने यहाँ ले लिया 32। अब यहाँ पे देखें इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 32 आ जाए डबल नंबर, जिसके 2 to the 4, 3 to the 9, 4 to the 16, 5 to the 25, 6 to the 36। 36 बड़ा हो गया तो मुझे क्या ले लेना है, 5 to the 25। तो मैंने क्या ले लिया, 5 to the 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखें कि 12 में से 1 इसको दे देंगे हम, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 7, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7, और मैंने उतार लिया 4 और 0 उतार लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और अब यहाँ पे मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगी, 5। अब 5 में 5 ऐड करें 10 हो जाएगा। अब 10, अब मैं 10 के बराबर मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाए। तो मैंने क्या लिया, 10610 को पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। ये देखें आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। आपने 10 पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 पर यहाँ पे भी लेना है, यानी कि इधर भी लेना है आपने 2 और ऊपर भी लेना है 2। तो यहाँ पे आपने ये कर दिया 2 to the 4, 0 और 2 to the 2। फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, 3 कर देना है इसे, 3 to the 9 हो जाएगा, 3 to the 0, 3 to the 3। तो ये भी, ये देखें 7। तो मैं क्या लूंगी, अब मुझे बड़ा नंबर लेना है तो मैंने क्या ले लिया, क्योंकि 3 to the 9 तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो 3 to the 5 से करके देखूंगी, 5 to the 25, 5 to the 0 और 2, और 5 to the 5। तो मेरे पास ये वाला भी छोटा नंबर आ रहा है, देखें 5 to 5 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 to the 3 and 7 to the 4, 0। तो मैंने 6 से करके देख लिया। ठीक है, आप 6 से करके देखेंगे, 5 to the 6 multiplied by 6, 6 to the 36, और 3 आ गया, 6 to the 6, तो 6 to the 36। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 6 to the 36। अगर मैं इसको 7 से करूंगी तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो मैंने क्या लिया, 106 लिखा और यहाँ पे भी 6, यानी कि 106 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 6 से, तो मेरे पास आंसर है 636। अब यहाँ पे 1 इसको दे देंगे तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जो मैंने ऊपर, यानी 106 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया था, 6 से, तो जो नंबर मैं ऊपर लिखूंगी वो नंबर मुझे नीचे भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, और अब इसको ऐड करें 1 में 1, यहाँ पे पहले इस तरह से ऐड करना शुरू करेंगे, 6 6 12 हो जाएगा, 12 to the 1 power, और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरह से जैसे एडिशन कर दें सिंपल, हम उस तरह से ऐड करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है 104, और ऊपर से मैंने 2 0 और उतार लिए तो यहाँ पे बन गया 10400।
अब मैंने कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराने की वैल्यू वैल्यू आ जाए, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है, 1 1 2 4 9, इस तरह से 1 1 2 4 9 से मल्टीप्लाई कराए, ठीक है। इस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 9 9 81, 81 का 1 और 8 ऊपर, 9 9 9 9 2 18, 18 में आप 8 ऐड करें, 18 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा 6, उसके बाद 9 9 9 10 11, उसके बाद 9 9 9 10 11, 9 9 9 10 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे ये इसका आंसर है। अब आपने यहाँ पे लिख देना 10401 10161, ठीक है। इस तरह से आपने ये नंबर लिख दिया और किसे मल्टीप्लाई किया 9 से, तो आपने यहाँ पे भी 9 लिखा, यहाँ पे भी 9 लिखा। अब आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए, 3 हो गए, काफी है। अब आपने जो है यहाँ पे मर्जी आपकी 9 मेंशन करके इसको ऐड करवा दें, ठीक है। पहले 9 9 9 और 9 18 हो गए, 18 के 1 पावर, ठीक है। इसके बाद 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने लिख देना है और यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना और आपका आंसर होगा ये। अच्छा, यहाँ पे आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला तो आपके पास क्या आंसर आया है इसका 0.34 का, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0.569 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अब आपने किसका निकालना है, 72.9 का। अब आपने किसका निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपने जो है किस तरह से मेंशन किया यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने 7290 इस तरह से लिखा। उसके बाद अब आपने जो है इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कराएंगे कि ये 72 आ जाए, तो आपने क्या किया, 8 8 64, 9 9 आपको पता है 81 होते, तो आपने 8 8 64 ले लिया। उसके बाद 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 बचेगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद पॉइंट आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया, 9 आपने उतार लिया और 0 आपने उतार लिया। अब उसके बाद इसको जो नंबर हम ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे वही नंबर हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे, यानी आप ऊपर 8 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे 8 उतारा और 8 और 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब मैं 16 के बाद कौन सा ऐसा नंबर लूं जो यहाँ पे भी वही आए, यहाँ पे भी वही आए और इसके करीब वाली वैल्यू आ जाए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 165 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 5 से, तो मेरे पास आ गया 825, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपके पास आएगा 825। अब मैंने क्या करना है, 10 में से 5 माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 5, 10 में से 5 इस तरह से कि आपने 1 पावर इसको दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 10 में से 5 माइनस करना है तो यहाँ पे 5 बचा, 8 में से 2 माइनस करना है तो यहाँ पे 7 बचा, 8 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद अब हमें इस तरह से खुद ही जो है यहाँ पे डिजिट उतारते रहना है। अभी पहले हमने जो यहाँ पे अपनी मर्जी से लगा दिए थे, अब 0 हम उतार लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो है 2 0 आपने उतार लेने हैं, इस स्टेप में आपने 2 0 लगाए। उसके बाद अब आपने यहाँ पे पहले इसको ऐड करेंगे, 5 5 ऐड करें तो यहाँ आ जाएगा 10 10 का 0 1 पावर 6 और 1 पावर को ऐड करें 7 हो जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा। अब 7 1 7 0 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो यहाँ पे भी सेम हो और यहाँ पे भी सेम हो और इसके बराबर वाली वैल्यू बन जाए, तो मैंने 1 7 0 को मल्टीप्लाई कराया 1 7 1 7 0 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 5 0 9 5 1 0 9, ठीक है। ये इसके करीब वाली वैल्यू, अगर मैं 4 4 यहाँ लेती और 4 ऊपर लेती तो मेरे पास ये बड़ी वैल्यू आ जाती, तो मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपने 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है क्योंकि हमने 1 पावर इसको दी फिर 1 पावर इसको दी, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 एज इट इज आ गया, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ गया और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है अब आप मजीद और इजाफा करते रहेंगे, ठीक है, पॉइंट लगाते रहें, अब आप मजीद और इजाफा करते रहें। अब यहाँ पे आपने 2 लगाए, अब आपने यहाँ पे और 2 लगा देंगे, ठीक है, अब आप यहाँ पे और 2 लगा दें डिजिट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, 1 7 0 9 को मल्टीप्लाई कराया 8 से। अच्छा, यहाँ पे आपने जब इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करवा दी वैल्यू तो आपके पास आए थे 2 3 9 1। अब यहाँ पे आपने 2 0 और ऊपर से उतार लिए, ठीक है, 2 0 आपने और ऊपर से उतार लिए, तो यहाँ पे जो है मजीद जैसे अगर सिंपली पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद जो है हमें 3 डिजिट लेने हैं, अगर 3 डिजिट नहीं आ रहे हैं तो हम इसमें 0 0 को इजाफा करते रहेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने दो जीरो और लगा दिए, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 1709 को मल्टीप्लाई कराया 8 से, यानी 8 यहाँ पे लिया और मल्टीप्लाई कराया 8 से, तो हमारे पास क्या आ गया 130784। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है, तो आपके पास आंसर आए 81538। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है क्योंकि आपके पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया। आपने यहाँ पे जो है इस तरह से मेंशन कर देना है, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया था तो आपके पास आई थी 8.538 वैल्यू, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया था तो आपके पास आई थी 0.56, तो आपने जो है यहाँ पे लिख दिया 0.568 इसका स्क्वायर रूट आए, और जब इसका स्क्वायर रूट आया तो आपने लिख दिया 8.538। ठीक है, अब यानी कि ये दो वैल्यू आ गई हैं। अब आप इसका पॉइंट किस तरह से ख़त्म करना है, अब देखिए इसको डिवाइड तो आप कर नहीं सकते, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि दोनों वैल्यू पॉइंट में, अगर नीचे वाली वैल्यू जो है अगर कोई डिजिट होता तो हम इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब मुझे पॉइंट ख़त्म करना है, तो मैंने क्या किया, देखिए इस पॉइंट की जगह पॉइंट हटा के, ठीक है, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसकी जगह पे आपने ये चीज लिखी, ठीक है, अब यहाँ पे ये डिवाइड इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये इस तरह से लिख दिया। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू एज इट इज उतारी, उसमें भी यही करेंगे कि हम पॉइंट हटाया, 1 लगाया, उसके बाद जितने डिजिट है हमने उतने जीरो लगा दिए। ठीक है, 3 है तो 3 जीरो लगा दिए। अब आपको मैंने बताया था कि इसको इस तरह से लिखा जाता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, मैंने ये बात बताई थी। तो आपने यहाँ पे लिखना है, इसके आगे जीरो भी आए तो मसला नहीं है, 5 6 9 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसके बाद 8538 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 1000 से, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये 1000 से 1000 कैंसिल होगा ऊपर नीचे, अब मेरे पास 5 6 9 और 8538, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आपने जो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 0.0666, इस तरह से आपका आंसर आएगा। ये देखें, आपने यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करने की 8531 आपने अंदर रखा, 569 बाहर, 569 जो आपने अंदर रखा, 8531 बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जीरो को और इजाफा कर लेना है, ठीक है, आपने जीरो लगा लेना। अब यहाँ पे आपने इस तरह से करना है कि जब जीरो आप लगाएंगे, पहले आपने एक जीरो बढ़ाया, ठीक है, एक जीरो बढ़ाया तो आपने जीरो लगा के पॉइंट लगाया, जैसे डिवाइड करते हैं हम, सिंपल हम जो क्लास 4 से करते हुए आ रहे हैं डिवाइड, उस तरीके से डिवाइड करना है, 5 6 9, ठीक है, 5 6 9 क्या है, छोटा है, और 8 5 3 1 बड़ा है, मैंने एक जीरो लगाया तो यहाँ पे जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद अब 5 6 9 0 अब भी छोटा है, तो मैंने एक और जीरो की जरूरत है, तो मैंने यहाँ जीरो लगाया और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 8 5 3 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो मेरे पास आंसर आया 51186। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो आपके पास आया यहाँ पे, जब आपने 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, और यहाँ पे 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, और 5 में से 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे एक और जीरो को इजाफा कर लेना है, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, अब आप जीरो को इजाफा करते चले जाएं, कोई मसला नहीं है, तो आपने यहाँ पे एक और जीरो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जीरो हमने इसलिए लगाया 5714, अब भी ये छोटा है तो हमने एक और जीरो लगा दिया, देखिए पॉइंट तो लगा हुआ है, अब हम जीरो लगाते भी रहेंगे तो कोई मसला नहीं है, तो हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया क्योंकि ये डिवाइड वाले, तो 8531 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो मेरे पास सिमिलर यही आएगा, आपने इस तरह से कर लेना है। अब पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट आ गए, काफी है, तो आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 है 6181/6। अच्छा, ये देखिए इसकी पावर नहीं है, ये इसके साथ लिखा हुआ है इस तरीके से 6186, ये देखें। अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, 8 6 48 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 49। मैंने इसको इस तरह से ऐड किया कि 6 8 48 और 1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास हो गया 49/6। ठीक है, मैंने इस तरह से ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 449 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा दी। इसका तरीका ये है कि देखिए 6 और मैं इसको 1 6 1/1 इस तरह से लिख सकती हूँ, 6/1, तो मैंने क्या कर दिया 6 1/1 और बड़ा से ये लगाया मैंने, ठीक है, 4 9 मल्टीप्लाई बाय 6,
इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 49 ठीक है। इसका मतलब है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। अब 6 6 36 हो जाएगा, 4 4 और 49 ऐसे ही आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने इसके ऊपर रूट लगाई ठीक है। अब देखें 6 6 होता है 36, ऐसे हम लेंगे 6 6 6 36 और 6 1 6, तो यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है। और 7 7 क्या होता है, 49 होता है, 7 7 49, 7 1 7, तो यानी कि ये कितने फैक्टर्स आ गए, 2। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ स्क्वायर लगा के, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 हूँ तो मैं इसको स्क्वायर लगा के, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6/7 ठीक है। इसको इस तरह से कम्प्लीट कर लेना, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करके बता दिए ठीक है, 3 पार्ट सॉल्व करवा दिए, बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं।